नीतीश कोई कर्म के आदमी है? कोई कर्म के आदमी नहीं, कोई कर्म नहीं। हमारे मुंह पर 100 बात करो, मुंह पर डायरेक्ट। कल तो नीतीश जी कहे थे कि जो शराब पिएगा वो मरवे ना करेगा। ओ आयकर पहले नहीं शराब पिए थे, न मरते रहे, सब जिंदे है आज तक। बवा दादा पड़ रहा है, सही है कि गलत है? ये तो शराब चालू है तो एक सिरासी गलत ही है। शराब जब बोले नीतीश कुमार जब बंद किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो शराब हर एक पंचायत में जो थाना है, थाना के वजह से शराब यहाँ पर ही मिलता है। थाना पैसा लेके शराब बेचवाते हैं। जो जिसको जरूरत है वो खोजता है, सरकार के बंद करने का मतलब बंद किया, जिसको जरूरत है खोज कर पीता है। तो मतलब कि जो पीकर मर जाए तो उसमें गलती किसका? गद जो पिएगा उसमें गलती है। मतलब नीतीश जी के आप समर्थन में हैं? हाँ, समर्थन में है। कल नीतीश जी बोले ना जो दारू पिएगा वो मरेगा। मरेगा तो इसमें वो सरकार ही आएगा, जो गार्ड हुआ ना दुआ सब सरकार देखने जाएगा, थोड़े बे जनता ना देखेगा। अच्छा, और सरकार पैखाना बना दिया जाएगा खेत में झाड़ा फिरने, तो सरकार देखने आएगा कि जनता देखेगा, मुखिया देखेगा, सरपंच देखेगा, गांव कैसे देखेगा? सरकार को तो क्यों काम ना है, यहाँ दारू पिया है आप कौन पैखाना में हगड़ा देखेगा नहीं तो गांव के ना देखेगा आदमी, मुखिया सरपंच। सरकार का काम है नियम बनाना, नियम बनाना है, उसको पालन करना जनता का ना है। तो क्या और कुछ पूछना है? और कुछ बताइए। क्या बताए, पूछेगा तब तो क्वेश्चन किया जाता हूँ तो आंसर देंगे। अच्छा बताइए ना, क्या छपरा में मर गया लगभग 50 के ऊपर? हाँ तो पिएगा तो मरेगा, इसमें कौन सा बड़ी बात लगता है? नीतीश जी का बड़का फैन है? फैन हम किसी के नहीं है, हम इंडियन आर्मी के फैन है, कोई भी आरजेडी या बीजेपी के फैन नहीं है हम। अच्छा, दारू बिकै छै? दारू बिकै छै ना? कहाँ बिकै छै? अपना वहाँ ना बिकै छै दारू, हे बिना दारू बिकले भी है एता लोग पिए छै। ए सनिया का एता लोग बिना बिकले भी है छै, लोग एको लोग बाकी है दारू पीले जना छै कि ना? हम तो ना जना छै, तौ ना पूछे अइली। ओ तो कह छै दारू एको लोग बाकी है। यदि शराब चालू हो जाए तो ये जो गाँव घर में जहरीली शराब बनती है वो बनना बंद हो जाएगा। यदि ओरिजिनल चीज मिल जाए तो डुप्लीकेट चीज क्यों कोई खरीदेगा? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आयन, आप देख रहे हैं पोस्ट व्यू। अभी हम बिंदगामा में हैं और बिंदगामा में आए हैं क्योंकि लगातार देखिए दो दिन से, एक दिन तो शीत सत्र का जो बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था वह हंगामे के कारण ऐसे ही चलता रहा। यहाँ पर जो शराबबंदी छपरा में हुआ चल रहा है बिहार में, वह छपरा में शराब पीने के कारण तकरीबन आज का जो रिपोर्ट हमको जानकारी हुआ है वह 50 से ऊपर आदमी की मौत हो गई है। लेकिन नीतीश कुमार से यह सवाल किया गया कि क्या शराबबंदी उनका सही है, तो उस पर कैसे झल्लाते नजर आए। तो यहाँ पर एक दादाजी हैं, दादाजी से हम बात करते हैं। बाबा, दारू बंद है कि चालू है? दारू तो पूरा चालू है, तनी मनी ना, पूरा चालू, पूरा चालू है। कितना हर जगह मिले जितने, एक के तीन लगे छे, एक के तीन लगे छे। तो की दारू बंद है के चाहे कि चालू है को देवे के चाहे? ऊ तो हम ओता बड़ा अथी न लेबो कि हम तो हम चालू करे के चाहे को खोली में ठीक है, खोली में ठीक, सरकार के टैक्स तो है, सरकार के टैक्स तो है। अच्छा, उसे पब्लिक के काम चलता है, निम्मन हो दारू होते अब निम्मन आवा जाए तो आवा भाई, उसे हमारा कुछ मतलब नहीं, हम पिए चीज से हम कहो। अच्छा, मतलब आपने के हिसाब से चालू कर दे में ठीक रहता है? सुलहवाना ठीक, हाँ ई चल विजय कला कर दे, नीतीश कोई कर्म के आदमी है, कोई कर्म के आदमी नहीं, कोई कर्म नहीं। हमारे मुंह पर 100 बात करो, मुंह पर डायरेक्ट। कल तो नीतीश जी कहे थे कि जो शराब पिएगा वो मरवे ना करेगा। ओ आयकर पहले नहीं शराब पिए थे, न मरते रहे, सब जिंदे है आज तक। बवा दादा पड़ रहा है, नीतीश की कहते हैं बेट जो भट्टल हमारे सामने पूरे के दिन है, एरिया हम ना देना चाहिए, घर तर ससुराल हमारे है। नीतीश जी के यहाँ ससुराल है एरिया, गाँव वो एरिया में। चलिए देखिए यहाँ पर युवा आ गए हैं, कुछ उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। क्या आपका क्या कहना है कि जो शराब बंदी है वह सही है कि गलत है? ये तो शराब चालू है तो एक सिरासी गलत ही है। शराब जब बोले नीतीश कुमार जब बंद किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो शराब हर एक पंचायत में जो थाना है, थाना के वजह से शराब यहाँ पर ही मिलता है।
थाना पैसा लेके शराब बेचवाते हैं। मतलब कि सवाल है वो कि शराबबंदी ठीक है कि उसको चालू कर देना चाहिए? नहीं ठीक, जब शराब बिहार में चल ही रहा है, जब नीतीश कुमार से बंद हो ही नहीं रहा है, तो शराब चालू कर देने ही फायदा है। अगर उनसे पूरा पूरी अगर बंद हो जाए तो या तो पूरा पूरी बंद होना चाहिए, नहीं तो पूरा पूरी अच्छा से शराब चालू ही कर देना चाहिए। बंद तो है ना, तो बंद है, लेकिन शराब तो आदमी मिल ही रहा है, आपको पीना है तो अभी मिल जाता है, पीना है तो अभी मिल जाएगा, तब शराब बंद कहाँ है बताइए? होम डिलीवरी कहीं पे कहाँ घर के पहुंचा देगा दारू? पिए हैं कभी? अरे जब कहिएगा जब मिल जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर सब मजाक कर रहे हैं कि देखिए आप क्या कहेंगे, शराब जो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है कि बिक रहा है? नीतीश जी कहते हैं कि जो नहीं बिक रहा है, बिक रहा है कि रोज 10 रुपए पेटी सेल होता है? कितना पेटी? 5 रुपए पेटी सेल होता है रोज, 5 रुपए पेटी सेल। देखिए यहाँ पर हम अभी बिंदगामा में हैं। क्या नाम है बाबू? प्रशांत कुमार। कैसा उम्र है? 18 साल। 18 साल हो गया? हो गया। तो वोट देने लायक हो गए? यस सर। तब तो बता भी सकता है कि जो दारू चालू हो कि गलती? तो हम पीते हैं, हम बताएंगे। कौन क्लास में? अभी हम 11th में हैं। 11th में? यस। तब नीतीश जी का फैसला सही है कि गलती है? क्या चीज का फैसला? शराब जो बंद कर रखे हैं और शराब मिल रहा है। तो मिल रहा है तो वो ना समझेंगे सर, हम क्या समझेंगे? जो जिसको जरूरत है वो खोजता है, सरकार के बंद करने का मन बंद किया, जिसको जरूरत है वो खोज कर पीता है। तो मतलब कि जो पीकर मर जाए तो उसमें गलती किसका? गलती जो पिएगा उसमें गलती है। मतलब नीतीश जी के आप समर्थन में हैं? हाँ समर्थन में है। कल नीतीश जी बोले ना जो दारू पिएगा वो मरेगा? मरेगा। तो इसमें वो सरकार ही आएगा, जो गार्ड हुआ ना हुआ सब सरकार देखने आएगा थोड़े, जनता ना देखेगा। अच्छा। और सरकार पैखाना बना दिया जाएगा खेत में झाड़ा फिरने, तो सरकार देखने आएगा कि जनता देखेगा, मुखिया देखेगा, सरपंच देखेगा, गांव के साथ देखेगा? सरकार को तो क्यों काम ना है, यहाँ दारू पिया है आप कौन पैखाना में हर देखेगा? नहीं तो गाँव के ना देखेगा आदमी, मुखिया सरपंच। सरकार का काम है नियम बनाना, नियम बनाना है, उसको पालन करना जनता का ना है। तो क्या और कुछ पूछना है? और कुछ बताइए। क्या बताए, पूछेगा तब तो क्वेश्चन किया जाता हूँ तो हम आंसर देंगे। अच्छो बताइए ना, क्या छपरा में मर गया लगभग 50 के ऊपर? हाँ तो पिएगा तो मरेगा, इसमें कौन सा बड़ी बात लगता है? नीतीश जी का बड़का फैन है? फैन हम किसी के नहीं है, हम इंडियन आर्मी के फैन है, कोई भी RJD या BJP के फैन नहीं है हम। अच्छा। कोई कुछ कोई जीते रहा है जीतेगा तो हम खाए कमाएंगे तब खाएंगे। हाँ बिना कमाए कोई ना खिया देगा। अभी पढ़ो ना, तभी कैसे कमाई का नाम ले लिया, पढ़ाई करो। पढ़ाई करेंगे ना, पढ़ाई करेंगे कितना लगेगा, सब तो पढ़ ले, किसको नौकरी है पूछिए, पढ़ाई तो कर रहे हैं सब, नौकरी में रहता हूँ तो। नीतीश कुमार सब क्यों मांगे? किसी से नहीं नौकरी मांगी, किसी से नौकरी नहीं मांगे अभी 11th में। क्या कहेंगे सर जो शराब बंदी है नीतीश कुमार जी का, और लोग कह रहे कि सब जगह शराब मिल रहा है? मिल ही रहा है, अभी तो सब जगह मिल ही रहा है शराब ना। अच्छा आपसे पूछा जाए कि जब मिल ही रहा है तो शराब को बंद कर देना चाहिए पूरी तरह से कि चालू इसको करिए देना चाहिए पहले की तरह? चालू ही कर देने में ठीक है, बाकी अब तो सरकार का मर्जी है। चालू तो है। अच्छा चालू तो दारू है ही। चालू है? हाँ, आ कहाँ से रहा, नहीं चालू है तो पी कहाँ से रहा है? दारू पी रहा है, मर रहा है आदमी, दारू आ रहा है तभी ना। अच्छा मर रहा है तो इसका मतलब डुप्लीकेट ना बना रहा है सब आदमी? सब बनाया नहीं जी, डर से बना रहा है, आई पर कोई रोके नहीं है तब पी रहा है, बना रहा है, पी रहा है। पोथी से बनाता है सब? पोथी से महुआ बना रहा है, कोई कुछ केमिकल कोई कुछ बना रहा है। साची दारू बिकै छै? दारू बिकै छै ना? कहाँ बिकै छै? अपना कहाँ ना बिकै छै दारू? यहाँ पर बिकै छै, बिना दारू बिकले भी ये तालो पिए छै। ए सनिया का ये तालो बिना बिकले भी ये छै? लोग एको लोग बाकी है दारू पी ले जाना छै कि ना? हम तो ना जाना छै तो ना पूछे अइली। ओ तो कह छै दारू एको लोग बाकी है, सब दारू पिए छै, दारू बिकै छै, बिकै छै सब, सब के कुछ न पर नेमी है दुनिया में। कि अपने के मन है दारू चालू कर देवे की बंदे कर देवे की? हम पियै छी दारू वाला चालू कर देबो, बंद कर देबो नहीं से तेरा ना। अपने के की सब दिक्कत है बताओ ना? हम तो हम जैसे पहले वाला दारू अपने दारू है, अपने के की दिक्कत है? कुछ है दिक्कत? हमरा दिक्कत ना है। कथी के दिक्कत? हमर के बाल बच्चा दारू पियै, अपना के बच्चा दारू पियै, कैसे दिक्कत है? हमर के बाल बच्चा दारू पियै कैसे दिक्कत है? दारू पिए से कल्ले से मर गेले 50 गो आदमी छपरा में। अरे भाई 5 रुपया कमाएंगे आ 2 रुपया घर देगा, 3 रुपया के दारू पिएगा, घर में पूर्ति होए।
ना पूर्ति है ना, पाँच सौ बिगाड़ हमको, बाल बच्चा है, पढ़ाई लिखाई है, दुनिया से खर्चा है, कैसे होगा आप बताइए चाची। देखिए यहाँ पर जो महिला हैं वो भी कह रहे हैं कि खैर यह बिनगामा जगह है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में देखे लोग आ गए हैं कि शराबबंदी जो है वह पूरी तरह फेलवर है। और वीडियो बनवाई सर चालू चालू है दारू चालू हुआ चालू होना चाहिए चालू बंद होना चाहिए कैसे बंद तो है ना बनता है 6 साल से बंद है बहुत दिन से चालू है अपने का भी आए हैं पीले हैं दिखाई नहीं देता दांत से मालूम नहीं चलता है क्या शराबबंदी जो 6 साल से है वह सही है कि गलती है? बिल्कुल गलत है शराब चालू होनी चाहिए बिहार में चालू होनी चाहिए बिल्कुल क्यों यदि शराब चालू हो जाए तो ये जो गाँव घर में जहरीली शराब बनती है वो बनना बंद हो जाएगा यदि ओरिजिनल चीज मिल जाए तो डुप्लीकेट चीज क्यों कोई खरीदेगा। तो शराब का सेवन करना नीतीश कुमार तक कहते हैं कि सब बुरी लत है शराब का सेवन करना बुरी लत है बिल्कुल सही है शराब का सेवन करना बुरी लत है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो तो बुरी लत है यदि ज़रूरत के हिसाब से आप खाना भी खाते तो वो अच्छी है या ज़रूरत से ज़्यादा आप खाना भी खाते तो वो भी बुरा है इसीलिए ज़रूरत के हिसाब से जो शराब पीता है सही है नीतीश जी तो कहते हैं कि पहले जब शराब चालू था तो आदमी पी करके रोड पर ही हल्ला गुल्ला करता रहता था तो वो गलत है ना उसके लिए प्रशासन लागू होना चाहिए ना अच्छा, रोड पे आप आते हैं तो उस पे करिए ना अब मान के चलिए रिक्शा चलाने वाला जो चलाता है या मजदूरी करने वाला जिनको औकात है कि हम 50 रुपये का दारू पियेंगे तो जहरीली शराब पिएगा कि नहीं यदि उसमें उसी कॉस्ट में यदि उनको अच्छा मिल जाए तो अच्छा क्यों नहीं क्या नाम हुआ सर मेरा नाम रजनीकांत हुआ रजनीकांत जी पिछले 2 दिन में तकरीबन 50 से ऊपर आदमी की मौत हो गई शराब पीने से किस तरह से आप देखते हैं देखिए शराब को जो है लोग पी के जो मर रहे हैं इससे जो है सो काफ़ी नुकसान हो रहा है लोगों को इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि दारू को चालू कर दिया जाए जो लोग पीने वाले हैं वो पिएंगे जो पीने वाले नहीं वो नहीं पिएंगे इसलिए दारू को चालू कर देने में ही फायदा है मेरा राय यही है। अच्छा मिल कैसे रहा है दारू जब ये पूरा बंद है तो दारू ये प्रशासन का ढिलाई है हर जगह प्रशासन मिला हुआ है जिसके कारण जो है चूरे छिपे जो है दारू को तस्करी किया जा रहा है इसी के कारण दारू हर क्षेत्र में मिल रहा है तो आप लोग की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि जहाँ पर यह चीजें हो रही है तो सूचना दिया जाए प्रशासन अब जनता तो डर रहा है जे कहीं हम को ये लोग मिल के कहीं हमारे ऊपर कुछ कर ना दे ये लेके वो नहीं इस पर कार्रवाई कर रहा है और प्रशासन भी ठीक से काम नहीं कर रहा प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा देखिए इनका कहना है कि यहाँ पर प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है आप क्या कहें 2 दिन से लगातार यहाँ पर छपरा में लगभग 50 से ऊपर लोगों की मौत हुई प्रशासन का मिली भगत रहता है हर जगह प्रशासन दोषी है प्रशासन की कह तो आपको क्या लगता है चालू कर देना चाहिए कि इसको रखना चाहिए बंद इसको चालू कर देना चाहिए नहीं तो सख्ती से उसको लागू करें कानून को चालू कर देना नहीं तो सख्ती से लागू करना चाहिए शराब चालू की बंद चालू अपने के मिले इनकी ना मिलता है ना अपने को मिलता दिलीप बाबू को भी मिलता है रजनी भाई बतियाना ला है कि देखिए शराब बंदी नीति अच्छा है लेकिन ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ इसलिए पूरी तरह से चालू कर देना चाहिए आप देख रहे हैं पोस्ट भी अगर फेसबुक पेज पर हमारे इस वीडियो को देखा तो हमारे फेसबुक वीडियो को फॉलो कर लें और यूट्यूब पर देखते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।